हर साल की तरह इस साल भी 22 नवंबर के दिन झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन ये 21वां स्थापना दिवस कुछ फीका फीका सा लगा। वजह ये रही कि कई विधायक मौजूद नहीं रहे इस समारोह में। सवाल इस पर भी उठे, उस पर फिर सवाल इस बात को लेकर भी उठे कि आखिर मंच पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ भी माननीय अतिथियों की कुर्सियाँ खाली रह गई। बाद में सीपी सिंह से बातचीत करने पर उन्होंने जब इस मामले को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यह गलत परंपरा की शुरुआत है, लोकतंत्र के मंदिर का स्थापना दिवस है और उस परिवार के लोग ही अगर शामिल नहीं हो तो यह चिंताजनक बात है, सोचने वाली बात है। इस मुद्दे पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सीपी सिंह से बात की है हमारे संवाददाता मदन ने, सुनाते हैं हम आपको। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व के स्पीकर और वर्तमान में रांची से विधायक सीपी सिंह जी। 21 वर्ष का अब झारखंड हो चला है और विधानसभा भी 21वीं वर्षगांठ मना रही है, क्या लगता है कि जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था और जो विधानसभा के कार्य है, क्या उस सही दिशा में चल रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि अपेक्षाएं ज्यादा नहीं पालना चाहिए। जिस सपने की बात करेंगे, जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था, तो भैया क्या सपना था कि रातों रात झारखंड कोई बहुत करिश्मा कर लेगा, ऐसा बात तो नहीं है। कोई छू मंत्र से तो नहीं होता है। कर रहा है विकास, झारखंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। अब ये कह सकते हैं कि जिस गति से करना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ, ये मान सकता हूँ। लेकिन विकास नहीं किया है ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया और आगे भी करेगा। ये तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की, तो विकास की राह पर है। अब उसमें धीरा, तेज, बहुत तेज, ये अंतर हो सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विधानसभा के जो कार्यक्रम आयोजित था उसके मुख्य मंच पर दो दो कुर्सियां खाली थी, नेता प्रतिपक्ष अभी फिलहाल नहीं चुने गए हैं, तो ऐसे में जो सत्ता दल के और विरोधी दल के सचेतक थे उनको बुलाया गया था, लेकिन दोनों के दोनों गैरहाजिर रहे, कई मंत्री नहीं पहुँचे, कई विधायक नहीं पहुँचे, क्या लगता है किस रूप में जा रहा है ये? देखिए विधानसभा राज्य के लिए लोकतंत्र का मंदिर है और जब वर्षगांठ मनाया जाता हो और उस वर्षगांठ में विधानसभा परिवार के लोग ही उपस्थित न हो, तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे किसी परिवार में शादी हो रही हो, चाहे बेटा का हो या बेटी का हो, और उस परिवार के सारे लोग उपस्थित न हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार विधानसभा का हम सब परिवार हैं और विधायकों और मंत्रियों का उपस्थित न होना ये अच्छी बात नहीं है। और जो दो कुर्सियाँ खाली थी वो दोनों मुख्य सचेतक की थी, एक सत्तारूढ़ दल एक विपक्ष का, और विपक्ष का कुर्सी इसलिए नहीं लगा था कि मान्यता ही नहीं मिला है। दो साल हो गया, दो साल में आज तक मान्यता नहीं मिला, तो चल रहा है इसी प्रकार से चल रहा है। आप भी विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, क्या लगता है कि नए जो सदस्य आ रहे हैं उन सबों का आचरण या जो विधानसभा की कार्यवाही है कुछ सीखने की जरूरत है या फिर ठीक ठाक है? नहीं देखिए, मैं किसी विधायक को नहीं कह सकता हूँ कि आप सीखिए, मैं कौन होता हूँ, ये तो स्वयं विचार करने का विषय है। कोई किसी को सिखाता नहीं है, क्योंकि वो खुद जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, तो उनकी महती जिम्मेवारी है। इसलिए मैं कहूँ और सिखाऊं या किसी को कहूँ सिखाने, नहीं, आप नहीं कहें लेकिन सीखने की जरूरत तो हो। नहीं नहीं देखिए, सीखने के लिए तो जरूरत हम सबको भी है ना, पुराने विधायक हैं उनको भी सीखने की जरूरत है। ये तो चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो बिल्कुल सीपी सिंह जी ने कहा कि हम सबों को भी सीखने की जरूरत होती है और सीखने का कोई उम्र या सीमा नहीं होता, लेकिन जो विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी गैरहाजिरी जरूर मलाल और एक प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है कि आखिर क्यों लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22।